जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आगे इस कार के साथ जो उसको देखने के बाद जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक पल के लिए उसकी आत्मा डर जाएगी। शुक्र है कि आज इस बंदे की टाइमिंग और इसका नसीब इसके साथ था, इसके कारण इसके साथ एक छोटा मोटा हादसा हुआ और ये जिंदा बच गया, वरना हालत बिगड़ जाते तो इस ट्रक के नीचे आकर इस बंदे की कचमर बन जाती है और यहाँ पर इसका बचने का 0% आसार हो जाती। लेकिन टाइमिंग और नसीब के कारण आज ये कार वाला सही सलामत जिंदा बच गया। दोस्तों इस बंदे को कहते हैं एक रियल हैवी ड्राइवर और साथ ही साथ इस बंदे को कहते हैं एक रियल बेवकूफ़ ड्राइवर, क्योंकि जब ये बंदा अपनी गाड़ी में सामान लेकर उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़क से जा रहा था तो सड़क के बाजू लगे हुए साइन बोर्ड ने इसके ट्रक के उंगली कर दी, जिसके कारण इसका पूरी तरह से फट कर लाल पीला हरा नीला हो गया। दोस्तों रात के वक्त सड़क पर जा रहे नल्ले नूबड़े बेवड़े बेवकूफ ड्राइवर के हाथ से उसका कार धुमाकूर छूट गया, जिसके बाद वो कार दूसरी लेन में घुस गई और दूसरी लेन में घुसते ही दूसरी लेन में जा रहे कार वाले ने सीधा जाकर उसकी फाड़ दी। नो दोस्तों अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ होती है, इस सवाल का जवाब अगर किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि सड़क हाईवे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त खतरनाक हादसे होते रहते हैं जिसके बाद ड्राइवर लोगों की बचना यहाँ पर लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर इस बंदे की ड्राइविंग के कारण सड़क पर जा रही इसकी गाड़ी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हादसे का शिकार बन गई थी। पता नहीं यहाँ पर इस बंदे की गलती थी या फिर रास्ते पर जा रहे किसी और की गलती का शिकार ये बंदा बन गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो इस बंदे की गाड़ी इतनी दर्दनाक तरीके से हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद ट्रक का कचमुर बन गया, जिसके बाद अंदाजा लगाना और यकीन करना मुश्किल है कि क्या इस ट्रक को चला रहा बंदा सचमुच जिंदा बचा होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करना। दोस्तों जब भी भाईजान इस कार को टो करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो लगता है कि इन्होंने अपनी बीवी की याद में गाड़ी को ठीक तरह से बांधा नहीं था, जिसके कारण जैसे ही ये भाईजान अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मोमेंटम की वजह से और टो करने वाली गाड़ी वहाँ से चुपचाप निकल गई। दोस्तों सड़क पर जाते हुए इस ट्रक के अंदर अचानक एक भयानक आग लग गई, जिसके कारण वो आग ट्रक चलाने वाले बंदे के कैबिन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर आग लगने के कारण ट्रक चला रहे बंदे के कैबिन का क्या हाल हो गया था। दोस्तों ऑयल ले जा रहे एक टैंकर और उसी रास्ते से कंटेनर ले जा रहे ट्रक, इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त हादसा हो गया, जिसके कारण जो ऑयल ले जा रहा टैंकर था वो फट गया और सारा ऑयल ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया। क्योंकि ऑयल गिरने के बाद यहां पर किसी की गाड़ी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो बंदा यहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता, क्योंकि अगर वो ऐसी गलती करता तो उसकी गांड खतरे में आ जाए, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम हो गई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक और नए से जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए से ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए फैमिली के साथ खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।